गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू अवर टू डेज क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल. हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फिटिंग फाइन एट योर होम. स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की क्लास अटेंड करेंगे एंड इंग्लिश की क्लास में हमें आज क्या करना है देखिए स्टूडेंट. ये वर्क आपको आपकी नोटबुक में ही राइट डाउन करना है. आपके पास इंग्लिश की नोटबुक है, उसमें ही आपको ये वर्क राइट डाउन करना है. देखिए, राइट ए टू एन स्मॉल लेटर्स. स्मॉल लेटर्स राइट डाउन करने हैं ए से एन तक. कहाँ तक राइट डाउन करेंगे? ए से एन तक. आज बस हमें इतना ही करना है. ओके, सो हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे. नीट एंड क्लीन राइटिंग में दूर दूर बनाना है और अच्छे से बनाना है, ठीक है? देखिए, मैम भी आपको यहाँ बता रहे हैं. मैम ने आपको बताया था ना, बीच में आप कहीं रुक जाए तो फिर से स्टार्ट कर लीजिए बोलना, ताकि आपको अच्छे से बोलना बोलना भी आए और लिखना भी आए, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पर हम बनाएंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल. स्मॉल लेटर ऐसे ही बनाते हैं ना स्टूडेंट्स. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ए बी सी डी, ई फॉर एलिफेंट, F for fish, G for grapes, H for hen, A B C D E F G H, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion. आपको पता है ना कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक बनेंगे ये लेटर्स? नहीं पता है तो एक बार आप देख ले फिर बनाना, ठीक है? लेकिन बनाना बिना देखे, क्योंकि आपको इस पहले सिखाया हुआ है ना ये, अब तो हम रिवीजन कर रहे हैं इसका. A B C D E F G H I J K L, M for monkey, N for nest. ओके स्टूडेंट्स, हमने एन फोर नेस्ट तक कंप्लीट कर लिया. मैम ने आज कहाँ तक दिया? ए टू एन. तो हमने ए से एन तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है, फिर वापस से रिवाइज करना है. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. पूरी लर्न है ना आपको ओरल में? तो सो आज हमने एन तक की बनाई. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हेन, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लायन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट. ओके स्टूडेंट, हमने वर्क कंप्लीट करने के बाद एक बार इसको ओरल भी रीडिंग लगा ली. मैम ने कल सिखाया था ना, वर्क होने के बाद क्लोज करने से पहले, नोटबुक को क्लोज करने से पहले एक बार रीडिंग लगाएंगे फिर क्लोज करेंगे, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.